निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट को पेश किया। केंद्र सरकार ने टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया और कुछ नई स्लैब पेश की, लेकिन इसी के साथ कुछ शर्तें भी लगा दी गई जिसके हिसाब से लोगों को इस बदलाव का फायदा मिल पाएगा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है जो नई स्लैब लागू होगी वह वैकल्पिक होगी। अगर किसी टैक्स पेयर को इन सुविधाओं का लाभ लेना है तो उसे उन छूट का त्याग करना होगा जो अभी तक मिलती आई है। यानी अगर आप पहले बीमा, निवेश, घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस जैसे कुल 70 मुद्दे हैं जिन पर मिलने वाली छूट को त्यागना होगा। पहले टैक्स भरते हुए इन सभी चीजों की जानकारी देने पर टैक्स में छूट मिलती थी। वित्त मंत्री के बजट भाषण खत्म होने के तुरंत बाद सेंसेक्स में हलचल बढ़ गई। शेयर बाजार लगातार गिर रहा है और अब तक 600 अंक तक गवा चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब तक का सबसे बड़ा भाषण दिया। 2.5 घंटा लंबा भाषण देने के बाद उनके गले में कुछ दिक्कत हुई, जिसके बाद उन्होंने अपना बाकी भाषण सदन के पटल पर रख दिया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य मंत्रियों ने अपील करते हुए कहा कि वो अपना बजट रख दें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी तक का सबसे बड़ा बजट भाषण दिया। इसके पहले जसवंत सिंह ने 2003 में 2 घंटे 13 मिनट का भाषण दिया था। निर्मला सीतारमण का भाषण 11 बजे शुरू हुआ था जो 2.5 घंटे से ज्यादा चला। सरकार ने टैक्स रियायतों के जरिए बचत प्रोत्साहित करने की नीति खत्म कर दी। इंडिया टुडे हिंदी के एडिटर अंशुमान तिवारी के मुताबिक टैक्स स्लैब में किए गए इस बदलाव के बाद अब बचत में गिरावट बढ़ेगी, क्योंकि जो रियायतें वापस ली गई हैं उसके तहत बीमा, मेडिक्लेम, छोटी बचत स्कीमों पर असर पड़ेगा। इस वजह से हाउसिंग भी प्रभावित होगी। अब होम लोन पर टैक्स भी नई स्कीम की हिस्सा होगी। ब्यूरो के लिए फाइनेंस बिल का इंतजार करना होगा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि सरकार LIC में अपने हिस्से को बेचेगी। वित्त मंत्री के इस ऐलान के साथ ही विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया। वित्त मंत्री ने कहा है कि 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया गया। वित्त मंत्री ने कहा है कि 2021 के लिए GDP का अनुमान 10% का है। इस वित्तीय वर्ष में खर्च का अनुमान 26 लाख करोड़ रुपए का है।